धुआंधार रिव्यू करते हैं। 7 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब जरा सोचो यार, तुम लोगों का जवाब मिल चाहिए कि ये क्या होगा। देखो डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन पे, फिर ये वाला छोड़ के ये। अच्छा देखो कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। क्या सब पे डबल बॉन्ड है? नहीं जी, इस पे नहीं है। तो इस कार्बन के अलावा बाकी सब में तो एसपी2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो इसमें एसपी3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन एरोमेटिक। अब 3 चीज़ें, कैरियर नेगेटिव होता, एरोमेसिटी तो होती, रेजोनेंस होता, अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ये देखना है। तो टोटल 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जब भी 4 के टेबल में आएगा एंटी एरोमेटिक। यार अब ये तो बहुत देर से कर रहे हैं। और अगर ये प्लस होता है तो 2 और 2 4 और 2 6, अब ये हो जाएगा जनाब एरोमेटिक। और अगर ये लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर को भी हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, 2 और 2 4 6 8, तो एंटी एरोमेटिक।